वैक्सीन पर हो रही सियासत के लिए जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज 18 से बातचीत में नड्डा ने कांग्रेस पर गैर जिम्मेदार बर्ताव का आरोप लगाया। जेपी नड्डा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने से पहले केंद्र सरकार में पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। राहुल गांधी ने तो बोला कि हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस हैज द रोल ऑफ कांग्रेस इन होल पेंडेमिक हैज बीन एन इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। किस लिए ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब लॉकडाउन लगा तो क्या तमाशा है, क्या जरूरत थी लॉकडाउन की? फिर कहा कि लॉकडाउन हटता क्यों नहीं है, जब पार्शियल हटाया तो पार्शियल क्यों हटाया, जब लॉकडाउन पूरा हटा दिया तो पूरा क्यों हटाया? ये कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है। इस देश ने कभी भी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं जी, कभी नहीं सोचा था। हम हमेशा मांगने वालों में से होते थे। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ के हुनर को, यहाँ के साइंटिस्ट को, सबको प्रोत्साहित करके एक नहीं दो दो वैक्सीन लेकर के आए। वैक्सीन पर टीका टिप्पणी किसने की, इसकी एफिकेसी पर प्रश्न किसने खड़े किए, कितने ट्रायल हुए हैं, कितनों ट्रायल हुआ कि नहीं, टाइम दिया कि नहीं, ड्यूरेशन पूरा हुआ कि नहीं, ये किन लोगों ने कहा? कांग्रेस के नेताओं ने कहा। और इन सब के कहने के बावजूद वैक्सीनेशन लोगों ने माना, लगाया, लग रहा है, अच्छे तरीके से लग रहा है। हेल्थ मिनिस्टर, पूर्व हेल्थ मंत्री के नाते मैं इस बात कहना चाहता हूं कि दिस इज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रोटोकॉल्स। इसमें हम वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते। वो हेल्थ प्रोटोकॉल्स के तहत जो डिजाइन बनाया गया है उसके तहत दिया जा रहा है। सोसाइटी में प्रायोरिटीज होती हैं, उन प्रायोरिटीज को ध्यान में रख करके ये पर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि जितनी वैक्सीन उनको चाहिए उतनी नहीं दे रही केंद्र की सरकार। जो उनको दिए यूज कर लिए क्या? महाराष्ट्र में तेजी